सो हे गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और नए यूट्यूब वीडियो में। तो आज का वीडियो, जैसे कि आपको टाइटल देख के पता चल गया होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं, तो आज हम बनाएंगे चॉकलेट्स। तो उसके लिए मैंने कुछ सामान ऑलरेडी रेडी रखा है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे मिल्क कंपाउंड, जो ऐसा कुछ आपको मिल जाएगा किधर भी, और ये है एक वाइट कंपाउंड, तो दोनों हम इसके लिए यूज़ करेंगे, और डार्क कंपाउंड जो मेरे पास पिछले बार का थोड़ा रखा हुआ है तो मैं उसे पहले यूज़ करूँगी। और भी कुछ चीज़ें हैं तो वो हम मैं आपको वीडियो में आगे बता देती हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गो विद द वीडियो। गाइस, वी आर डन। मैंने ये 150 ग्राम मिल्क कंपाउंड, सॉरी, हाँ, मिल्क कंपाउंड लिया है, और 100 ग्राम जो है वाइट कंपाउंड लिया हुआ है। तो अभी हम इसे डबल बॉयलर में इसे मेल्ट करेंगे, और फिर इसे जो है ऐसे मोल्ड्स में, मेरे पास सिलिकॉन वाला है, उसमें हम डालेंगे। सो चलते इसे मेल्ट करते हैं। तो गाइस, कंपाउंड को मेल्ट करने के बाद आपको कुछ ऐसा पेस्ट मिल जाएगा, काफ़ी पतला मीडियम। तो इसे अभी हमें जो है मोल्ड्स में डालना है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। तो इसे आपको ज़्यादा देर रखना नहीं है, वरना वो ठीक होना चालू हो जाएगा। तो इसलिए हम इसे फटाक से उसके मोल्ड्स में डाल देते हैं। और अगर आप चाहते हो तो आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हो, आपके अकॉर्डिंग, आपको जो पसंद हो वो। तो अभी हम इसे फिल कर लेते हैं, और फिर हम इसे फ्रीज़र में रखेंगे कुछ 2 घंटों के लिए, और फिर ये फ्रीज़ हो जाएगा। तो देखते हैं इसका रिज़ल्ट कैसे आता है। सो गाइस, अभी हम ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ काजू, आप अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से कोई भी जो आपको पसंद हो वो आप ऐड कर सकते हो। तो मैंने चॉकलेट जो है आधा ही भरा हुआ है, क्योंकि अभी हम इसमें ऐड करेंगे वाइट कंपाउंड, क्योंकि मैं इसे हाफ़ चॉकलेट और हाफ़ वाइट चॉकलेट वाला बनाना चाहती थी, इसलिए मैंने इसे ऐसे बनाया है। आप चाहते हो तो फुल वाइट या फुल चॉकलेट भी बना सकते हो। तो अभी हम इसमें वाइट आधा फिल कर लेते हैं, जो हमने जगह छोड़ी थी वाइट चॉकलेट के लिए। और अभी हम दोनों में से फिल करके फिर हमें इसे फ्रीज़ कर देते हैं। मैंने मोल्ड्स को कुछ भी ग्रीस नहीं किया हुआ है, क्योंकि ये ऑलरेडी सिलिकॉन का है, तो आपको इसे ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप प्लास्टिक वाले में बना रहे हो तो शायद आपको ग्रीस करना पड़ेगा। तो अभी हम फिल कर लेते हैं इसे।
गाइस पूरा चॉकलेट कवर कर लेने के बाद हमें इसे डैप कर लेना है और फिर फ्रीज़र में रख देना है। तो 2 घंटे बाद मैंने जब ये निकाला तो अभी हम इसे चेक करते कि ये इजीली निकलता है क्या। ये इजीली निकल जाएगा क्योंकि आप अगर सिलिकॉन वाले में बना रहे हो तो आपको ग्रीसिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरे वाले मूल से भी चॉकलेट इजीली निकल गए। अगर आपको अच्छा लगा तो आप भी ट्राई करना।